तो चलिए सीखते हैं, एक सिंपल सा टॉपिक है फजान सुरूर, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा। फजान सुरूर माने जो भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं उसमें कोवैलेंट बॉन्ड जरूर आपको दिखेगा। इसको आइडेंटिफाई पोलराइजेशन की मदद से करते हैं। पोलराइजेशन मतलब कैटायन अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को एनायन को, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैटायन रहेगा वो अट्रैक्ट करेगा एनायन को। यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रही होगी ये बता रहा है जैसे कि आपका जब कैटायन कम होगा तो एनायन बढ़ेगा और पोलराइजेशन बढ़ेगा और कोवैलेंट बॉन्ड उसमें सबसे ज़्यादा रहेगा। इस डायग्राम को देख लो, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि NaCl और LiCl दिखा है, इसमें का कोवैलेंट बॉन्ड किस में सबसे ज़्यादा होगा? तो आपको पता ही होगा Na में पॉजिटिव ज़्यादा हो गए और Li में पॉजिटिव कम हो गए, इसलिए LiCl का मोर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। जैसे कि आप सकते हैं जब पॉजिटिव कम होगा तभी आपका कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर बहुत बढ़ेगा। Li में पॉजिटिव कम है इसलिए Li मोर कोवैलेंट